ਬਹਾਲਪੁਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਾਲ ਖੇਲ ਗਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਫਨੀ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲਣ ਸਾ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲ ਜਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੇਮ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਯੂਸਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾ Assalamu alaikum and welcome to PJME's official YouTube channel. Aaj official YouTube channel pe jo main aaj aapko ek series dikhaunga shayad kaiyon ne kabhi bhi zindagi mein dekhi nahi hogi na hi unko pata hoga. Sabse pehli series mein aapke hero Mohammad Yusuf ke naam se jante hain lekin inka original naam tha Yusuf Yohana. Ye convert kar gaye the into Islam but usse pehle he was following another faith aur aaj aap dekhte hain इन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है और ये एक रेगुलर विजिटर हैं आई थिंक टू दीज रिलीजियस साइट्स एंड में सारे इस तरह ही करते हैं वैसे बाद में तो अब ये इनसे जो बात हुई पहले तो मैंने उर्दू में कोशिश की लेकिन फिर इन्होंने पंजाबी में जवाब देना शुरू कर दिया और ये वाहिद एक मैं कहूँगा बड़े रेयर क्रिकेटर्स होंगे कि एक टीम के साथ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के लेकिन खेल किसी और की तरफ से जाते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आप सब कुछ सुनिए और ये इंटरव्यू कैसे शुरू होता है ये देखिए अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम आई हैव विद मी अ प्लेयर विच द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट येस एंड दैट इज़ नन अदर देन यूसुफ योहाना फ्रॉम पाकिस्तान यूसुफ ही कम्स फ्रॉम लाहौर एंड Today, I managed to get hold of him at the place where the Pakistan team, the South African team and the Indian team are staying. So I thought, why not get hold of Yusuf and speak to him in Urdu and Punjabi? So you Look, all the views have told you that you started cricket. क्रिकेट गली महल से शुरू की थी सड़क पर खेल खेल के घर के बाहर सड़क सी बड़े भरा खेली दी टेबल टेनिस बॉल न कपड़े धोने डंडे उत्थे बस छोटी मोटा रोज़ खेली दी कारसन ग्राउंड कोल ही बिल्कुल उत्थे नैट लगता से गोल्डन जिम खाना का हाजी बशीद उन चगताई साहब उतो गुजरते सर जो उन्होंने बानी सन क्लब के उन्होंने एक दिन देखा मैंने उन्होंने ग्राउंड बुलाया मैं रोज़ शाम चला जाता सर तकरीबन दो साल यही होता रहा कि नैट लाए दा सी फील्डिंग करी थी शाम में कभी वारी मिल जाती सी लेकिन मैं अपना खेलता रहा अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट खेड के साढ़े जिन्हें भी व्यूज ने कहते हैं जी कि यूसुफ एक ऐसा प्लेयर है कि उन्हें फेम या वो जी शोहरत है वो उन्हें उत्ते नहीं लैके गई वो यूसुफ उस तरह उस तरह ही है मेरा ख्याल अपना है कि इज्जत लेना देना अल्लाह के हाथ से बंदे के हाथ से कुछ नहीं कोशिश कर सकते हैं असी कि मेहनत करिए मुल्क का ना करिए अपना ना करिए लेकिन यह नहीं कि गुरूर आ जाए किसी कुछ समझिए नहीं कि वो खुदा किसी टाइम यह चीज़ें वापस ले सको अच्छा ये तो बिल्कुल सही गल की तो जो रंजा नहीं होंगे उस वे डिप्रेस होंगे हो कि करते की हो अजकल तो मेरा हल काफ़ी डिप्रेस हो रहा काफ़ी देर हो गई मैं स्कोर नहीं हो रही एक अद्धा पंजा हो जाता बिच चार पाँच छः मैच फ्लॉप चले जाते मैं खुद समझ नहीं लग रही कि यह नहीं कि मैं फॉर्म च नहीं हाँ फॉर्म च भी हाँ लेकिन आउट हो जाना है समझ नहीं लग रही कि हो रहा तो मेरा यही है कि डिप्रेस भी हो जाता बस का फिर कहीं चलो अल्लाह की जो मर्जी उही हो रहा तो नाल बदकिस्मत के कई दफा साड़ी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उत्थे भी प्रेशर पै जाता सारे मुंडे टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगी मैं भी टीम च ही हाँ अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा दूजे पर प्रेशर पैदा दूसरे प्रेशर नहीं करते तो साढ़े तो आ जाता टीम को लैके चलना पैदा हर बंद ने टीम को लैके चलना टीम वर्क बनेगा तो पाकिस्तान जितेगी कला कला बंदा किसी कोई नहीं जिता सकता टीम लेकिन हूँ तो काफ़ी चंगा टीम वर्क बन गया हाँ माशाल्लाह टीम वापस आ रही हालांकि कल के मैच देखो कि ना वसीम भाई सन ना शुएब सन एडा अच्छा मैच होया कि असी जित चले स अनफॉर्चुनेटली नो बॉल से वो बोल्ड हो गया पाँच स्कोर भी मिल गया उन्होंने उतों यहोजे काम चलिए कि दो तीन चौके स्लिप निकल गए एक बाई का हो गया कल का मैच बहुत अच्छा होया गुड फॉर क्रिकेट
दैट्स द मेन थिंग. तो मेन चीज़ है कि क्रिकेट तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन स्पिरिट तो नहीं डाउन होनी चाहिए. हाँ जी, स्पिरिट माशाल्लाह बहुत अच्छी सी. कल बहुत अच्छा मैच हुआ, पूरी टीम ने जान मारी है. स्पेशली यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी. इमरान नज़ीर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी. अर्शद खान ने भी अच्छी बॉलिंग की थी. कल पूरा टीम वर्क से अच्छा. ये साढ़े व्यूअर्स ने दसो कि तुसी जेड़े अपना तुसी खेडन गए सी बहालपुर मैच खेडन गए सी, उत्थों उस दे बाद ये होया कि खेडते खेडते तुसी होर नाल खेल के कि लाहौर नाल खेलन गए सी. एक फनी किस्सा है, गया लाहौर वालों खेलन सा, लाहौर ने नहीं खिलाया मैं. बल्कि उन्होंने अपने ही दो तीन बंदे सन जिन्होंने कहा लाहौर वालों तेरा चांस नहीं बन सकता, बहुत लड़के ने तेन नहीं खिलाएंगे लाहौर वाले. तो खैर मैं बावलपुर का, उन्होंने उन्होंने एक दो बंदे सन उन्होंने कहा वैसे बावलपुर वाले ने गल करने तू इन वालों खेल जा. तो एक लड़का से उन्होंने भी बावलपुर का जाहिद मोहम्मद जाहिद, वह ए बी एल चो खेलता फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है. स्पिनर है अच्छा. नहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद जाहिद, ए बी एल ची खेलता. तो और ना मैं इंग्लैंड लीग जो मैं खेलन गया सा उत्थे उन्होंने मैं एक कश्मीर ना दे टूर्नामेंट होया सी, वह तो मैं इकट्ठे एक टीम वालों खेले सी. वह तो मैंने देखा सी, उन्हें उत्थे मैंने कहा अच्छा मैं गल करना उन्होंने बुखारी साहब सन, उन्होंने गल की उन्हें कहा अगला मैच खिलाओ पेशावर का. ला पेशावर फिर मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू 96 अल्लाह अल्लाह होता है, कोई अल्लाह ने रस्ते खोलने होंगे. अगर इतने मैं आना सी तो सब खुदा के कम से. अच्छा हूँ पाकिस्तान टीम में काफ़ी नवे मुंडे आए हैं, क्योंकि सकलैन भी इंजर हो गया, दूसरे भी इंजर हो गए, तो हूँ ये मुंडे नवे कैसे ने? इमरान नज़ीर कैसे खेलता है? माशाल्लाह इमरान नज़ीर बहुत अच्छा बैट्समैन है. जो शुरू आया सी उदो भी बहुत अच्छा, एट टाइम बहुत अच्छा करता, बॉल फिट बहुत फिट है. मैं यंगस्टर से है माशाल्लाह बहुत फिट लड़का है, प्रॉमिसिंग है. शुएब मलिक बहुत अच्छा है, गुड फील्डर, दोनों फील्डर भी बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं दोनों. अच्छा तुहाडा फेवरेट किहड़ा है? यंगस्टर्स फेवरेट की कह सकते हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर लगते हैं. वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट इको है जावेद मियांदाद, है नहीं कि मेरे कोच ने तो मैं कह रहा नहीं, मेरे शुरू तो फेवरेट प्लेयर. अच्छा तो ये मैं दसो कि पाकिस्तान के अंदर जो फैन है वो तंग तंग करते हैं? नहीं नहीं, फैन तो कभी तंग नहीं करते जी. तंग करने लोग और होंगे ने, कोई किसी तरीके ने तंग करता है, कोई किसी तरीके ने तंग करता है. स्कोर ना हो रहा हो, मतलब पाकिस्तान ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी एक बंदे ने स्कोर किया तो वह करते ही जाए. मैं पाकिस्तान कहना नहीं चाहिए अपने सपोर्टर ने मुल्क से वो भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी सोचना चाहिए कि हार जीत स्कोर ना होना होना होंदा रहता है. एक क्रिकेट है, क्रिकेट से चीज़ा लगे रहने. तो जो तुम है कि टीम को सपोर्ट करना चाहिए, प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि डिग्रेड करना. अच्छा जो तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे तो उत्थे अंग्रेजी भी चलती है, तो कोई कोई कहता जी अच्छा भी पानी ले आओ, कहते जी पानी लाया, कहते ब्रिंग सम वाटर. तो या उर्दू भी चलती है कि नहीं? सब कुछ चलता है, उर्दू पंजाबी इंग्लिश सब कुछ चल रहा है. एक सारे आते सारे बिच पठान भी ने, पंजाबी भी ने, कराची के भी ने, क्योंकि सारे हर जगह तो प्लेयर ने. पाकिस्तान की एक टीम, पाकिस्तान जिन्या जबाना बोली जाए सारिया चल दी मैच. तो गोरे पागल हो जाते? हाँ गोरे पागल भी हो जाते, गोरे उर्दू नहीं समझते ना. अच्छा, दो तीन चीज़ा आदि शाबा शाबा जल्दी करो, यह चीज़ा तो उन्होंने पता है. उन्होंने पता है. हाँ। अच्छा अब इस तरह की कोई बात हो तो अगर उनको कोई समझ आती है, वो कंफ्यूज होते हैं वो कोई? नहीं नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि पीछे मोइन भाई तो लगे होते हैं शाबाश शाबाश. इसका मैं कुछ नहीं कह सकता वो होते हैं कि नहीं कन्फ्यूज. बहरहाल वो मोइन भाई तो बैकअप कर रहे थे, टीम को उठा रहे होते हैं. उनकी उनकी वजह से काफ़ी टीम हर टाइम एक्टिव रहती है. उनके शाबाश शाबाश काफ़ी लोग पसंद करते हैं उनके इन चीज़ों को, स्पेशली शाबाश सैकी, ये उनकी बहुत चीज़ मशहूर है. हाँ शाबाश सैकी से भी है ना. तो लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी जो इंटरेस्टिंग होती हैं, जो लड़कों को रियली बकअप करती हैं, वो कौन सी है? बस यही के अंदर टीम को उठाने के लिए हम सब एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, थोड़ा मजाक का भी एक दूसरे को कर लेते हैं. स्पेशली आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं ना, उसमें कोई पार्टनरशिप लग जाती है लंबी, फिर थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है. तो उस वक्त सारे कोई मैं मजाक कर रहा था, कभी शायद मजाक कर रहा, कभी कोई मजाक कर रहा था, वो टीम एकदम उठती है, बॉलर्स को बैकअप करते हैं. अच्छा मैं अकरम से तो पूछना भूल गया कि उनका फेवरेट खाना कौन सा है, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट खाना जी आप चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी, लेकिन आजकल मैं चिकन बिरयानी तो नहीं खा रहा क्योंकि फैट बहुत करती है.
इसलिए चिकन खाना। तो अकरम का कौन सा फेवरेट खाना है? इनका जी फिश है, फिश बहुत खाते हैं। फास्ट बोलर तो फिश ही खाते हैं। जी बहुत फिश खाते हैं तकरीबन। मुझे भी काफ़ी देर हो गई इनके साथ, साल तो हो गया इनके साथ रहते। रूममेट ही है ना? रूममेट भी हैं। वैसे भी अगर रूममेट नहीं भी होते तो हम इकट्ठे ही जाते हैं। मैं लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है ना, क्रिकेट तो अपनी जगह होती है, इंसान खेलता है फिर छोड़ देता है, लेकिन जो दोस्ती एक बनती है वो बड़ी लंबी जाती है। नहीं हाँ जी, माशाल्लाह हमारी अच्छी दोस्ती है। एक बड़े भाई भी हैं, सीनियर्स भी हैं, दोस्तों की तरह भी हैं। ये हो गए अज़हर महमूद, हो गए सकलैम उस्ताद, हो गए शुएब अख्तर है, ये सब भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, टीम मेम्बर्स तो हैं ही। ज़बरदस्त यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन जाने से पहले आप ज़रा कोई मैसेज तो देना, कोई टिप दें हमारे बच्चों को कि वो अपनी क्रिकेट कैसे इम्प्रूव करें। मैसेज यही है कि जी, एक तो नेचुरल टैलेंट तो अल्लाह की तरफ से होता है हर चीज़ का, मेहनत बहुत ज़रूरी है और नेक नीयत ही। हमेशा टीम के लिए खेलो, जहाँ से स्कूल में खेल रहे हो स्कूल के लिए खेलो। ये नहीं कि मैं अपना स्कोर कर लूँ या मैं पहले खुद निकल जाऊँ इसमें से। टीम के लिए हमेशा खेलो और मेहनत करो बस। ज़बरदस्त। और पाकिस्तानी चैनल के व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तान चैनल व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग यहाँ हैं अभी। हमेशा आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। यूसुफ थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये थे यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। इनकी आपने बातें सुनी, पंजाबी में खुल के बात करते हैं की, और उसके बाद तो खैर उर्दू में इन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। एंड आई वुड से ये बड़ा एक रेयर इंटरव्यू होगा जो इन्होंने पंजाबी में दिया है। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, जो कि अगला इंटरव्यू है, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा अब्दुल रज़ाक का। रज़ाक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक ऑलराउंडर, बदकिस्मती से इंजरी उसको पीछे ले गई और कुछ मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी भी उसके साथ हुई है। और ये अगले इंटरव्यू में क्या कहते हैं ये आपको जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के बाद में, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल, दिस इज़ योर वॉइस, एंड दिस इज़ द रीज़न जब ये मैंने शुरू किया था यूट्यूब। मैंने इसी आप कह लो कि कॉन्टेक्स्ट से शुरू किया था कि आई मस्ट शो यू सम ऑफ दोस थिंग्स के जो लोगों ने नहीं देखी हुई हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।